चलिए और अब आपको बताते हैं कैसे G20 समिट में प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद पर बड़ा हमला किया है। बिना पाकिस्तान का नाम लिए पीएम मोदी ने कहा कि दक्षिण एशिया में सिर्फ एक देश है जो आतंकवाद फैला रहा है। दुनिया के बड़े और ताकतवर देशों के सामने भारत ने टेररिज्म पर अपना एजेंडा साफ कर दिया। पाकिस्तान के लिए ये मौका और भी बुरा था क्योंकि उसके सदाबहार दोस्त चीन के सामने पीएम मोदी ने उस पर निशाना साधा, लेकिन चीन पाकिस्तान को बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाया। चीन के सामने पाकिस्तान पर वार, G20 समिट में आतंकवाद पर पीएम मोदी का डायरेक्ट अटैक। आतंकवाद पर इंडिया का एजेंडा आगे बढ़ाते हुए पीएम मोदी ने कहा कि इस पर दोहरा रवैया नहीं रखा जाएगा। पाकिस्तान का नाम लिए बिना पीएम ने बताया कि टेररिज्म पर भारत की पॉलिसी जीरो टॉलरेंस यानी बिल्कुल बर्दाश्त न करने की है और भारत की नज़र में आतंकवादी सिर्फ आतंकवादी है। पीएम मोदी किसकी बात कह रहे हैं ये समझने में किसी देश को कोई कंफ्यूजन न रह जाए, इसलिए आगे कहा कि दक्षिण एशिया में एकमात्र देश हमारे इलाकों में आतंकवादियों के एजेंट को फैला रहा है। हमें उम्मीद है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी आतंकवाद से निपटने के लिए एक साथ खड़ी होगी और एक आवाज में बात करेगी। आतंकवाद का समर्थन और स्पॉन्सर करने वालों की पहचान होनी चाहिए, उन्हें कोई इनाम नहीं मिलना चाहिए। कुछ देश ऐसे हैं जो आतंकवाद को स्टेट पॉलिसी की तरह इस्तेमाल करते हैं। भारत आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाता है, हमारे लिए आतंकवादी सिर्फ आतंकवादी ही है। G20 दुनिया के 20 बड़े देशों का संगठन है, साथ ही इसमें कई और मेहमान देश भी शामिल होते हैं। इस इंटरनेशनल मंच पर पाकिस्तान पर भारत ने बड़ा हमला किया। ये बात इसलिए भी खास है क्योंकि पाकिस्तान के सदाबहार दोस्त यानी चीन के सामने आतंकवाद का मुद्दा उठाया गया। पूरी दुनिया को पता है कि कश्मीर सहित पूरे भारत में आतंकियों की सप्लाई पाकिस्तान में बने अड्डों से होती है। इससे पहले G20 समिट में प्रधानमंत्री मोदी ने शी जिनपिंग से मुलाकात में भी कई अहम मुद्दे उठाए। प्रधानमंत्री मोदी ने पीओके में चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर और न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप में भारत की सदस्यता का मुद्दा उठाया। भारत ने पाकिस्तान को चेतावनी दी तो अमेरिका ने चीन को वार्निंग की कड़वी दवा दी। G20 समिट के लिए पहुंचे ओबामा का रेड कार्पेट वेलकम न करके चीन ने अपमान किया तो अमेरिका वापस लौटने से पहले ओबामा ने भी उसका जवाब दे दिया। ओबामा ने एक इंटरव्यू में कहा, अगर चीन ने साउथ चाइना सी में अतिक्रमण किया तो इसके गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। इंटरनेशनल कानून का पालन सबको करना होगा। मैंने शी जिनपिंग से बातचीत में कहा कि अमेरिका खुद पर कंट्रोल करके ही एक महाशक्ति बना है। ओबामा के अपमान के मुद्दे पर अमेरिकी अधिकारियों की चीन के अफसरों से बहस हुई। यूएसए के मुताबिक चीन ने जानबूझकर ऐसा किया है तो आज सुपर पावर ने साउथ चाइना सी के मुद्दे पर चीन को दुनिया के सामने आईना दिखा दिया। ओबामा ने कहा, जब हम साउथ चाइना सी या दूसरे मामलों में इंटरनेशनल कानून का उल्लंघन देख रहे हैं तो मामला गंभीर हो जाता है। मैंने बता दिया है कि इसके नतीजे भुगतने होंगे। अमेरिका उसी हालत में चीन का पार्टनर रहेगा जब वो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के दायरे में काम करे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वहीं श्रीनगर से लौटने के बाद गृहमंत्री राजनाथ सिंह आज 11 बजे प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे और उन्हें सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के श्रीनगर दौरे के बारे में जानकारी देंगे।